कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि नहाय खाय से लेकर सप्तमी तिथि तक उगते सूरज को अर्घ देने तक छठ पर्व मनाया जाता है। इस दौरान भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा खास तौर पर संतान की कामना और लंबी उम्र के लिए की जाती है। छठी मैया सूर्यदेव की बहन है और इस पर्व पर इन दोनों की ही पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा का पर्व प्राचीन काल से ही मनाया जाता आ रहा है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति को हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। लेकिन मुख्य रूप से छठ व्रत माताएं अपने संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना से रखती हैं। वहीं ये व्रत संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए भी खासा माना जाता है। इस पर्व में सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना की जाती है। यह एक मात्र ऐसा व्रत है जिसमें चढ़ते सूरज की जगह डूबते सूरज की पूजा अर्चना होती है। ये पर्व मुख्य रूप से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड में मनाया जाता है। जहानाबाद में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ छठ पर्व मनाया गया। इस पर्व पर ठाकुरवारी संगम घाट, सोया घाट, श्याम घाट, दक्षिणी सूर्य मंदिर सहित व अन्य घाटों पर छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन की बेहतर व्यवस्था देखने को मिली। जहानाबाद के SDPO इंस्पेक्टर सहित तमाम पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए थे। वहीं इस अवसर पर गोताखोर स्टीमर की व्यवस्था की गई थी। जहानाबाद के विधायक सुदय यादव भी घूम घूम कर मुआयना कर रहे थे। काफी हर्षोल्लास, धूमधाम एवं भक्ति भाव के साथ जहानाबाद में छठ पर्व मनाया गया। इसके मिर्जा के साथ मुशर्रफ पालवी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो हम भगवान भास्कर को हम भाई प्रणाम करते हैं और आज यही हम यहाँ संगम घाट पे
खड़ा होकर के यही अपने जहानाबाद वासियों के लिए मतलब यही आशीर्वाद मांगते हैं कि सब लोग स्वस्थ रहे, सकुशल रहे, अपने व्यवहारिक जीवन के चारों क्षेत्रों में प्रगति उन्नति करें, और जो हमारी घर की परिवार की जो माता बहन या जो हमारे भाई बंधु जो छठ कर रहे हैं, वो भाई बड़ा आज पवित्र व्रत है, पर्व है, इसको बढ़िया से करना है। और जितने भी उनके सहयोगी हैं उन लोगों को भाई यहाँ सहयोग करना है कि शांति से हम इसको संपन्न करा लें।